खबर शिवपुरी जिले से है, जहां इंदार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिंघारी गांव के एक दर्जन लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर झूठे मुकदमे से बचने और इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ितों का कहना है कि गांव के पूर्व सरपंच द्वारा चार लोगों पर एक आदिवासी के साथ मारपीट का झूठा प्रकरण हरिजन एक्ट में दर्ज करवा दिया है, जिसमें इंदार थाना पुलिस ने बिना जाँच पड़ताल के मामला दर्ज किया है, उसकी जाँच होनी चाहिए। इसके आगे पीड़ितों ने बताया कि सिंघारी गांव का पूर्व सरपंच चुनावी हार का बदला ग्रामीणों से ले रहा है, साथ ही वह पुलिस से साठ गांठ कर ग्रामीणों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा देता है और पुलिस भी बिना जांच पड़ताल के पूर्व सरपंच के इशारे पर काम कर रही है, जिससे ग्राम पंचायत के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। एसपी ऑफिस में आए थे एसपी साहब से आवेदन देने के लिए, हमारे से झूठी FIR दर्ज हो गई हरिजन एक्ट की संगारई में। करतार सरपंच है, पूर्व सरपंच, वो हर समय 2012 से मुझे आए दिन परेशान करता रहता है, उसकी टीम बनी हुई है। एक आदिवासी से उसका पूर्व सरपंच है, उसका सरपंच है वर्तमान सरपंच, बिजरी से बनाया है उसी ने, उसी के भतीजे से करवाई है। सब लोगों को दबिश में रखना चाहता है, जो उसके साथ में नहीं जाता है उस पर FIR कराता रहता है झूठी। 302 की कराई मुझ पर, 376 कराई, हरिजन एक्ट करवाई, 326 करवाई, हम उस पर ही करा 2012 से। और राजीनामा में 20 लाख रुपए लेता है, और तीन बार तो मैं दे चुका, तो वो सब में बांट देता है, पुलिस को बांट देता है, और ठेका है उसके भी, जिन लोगों पे लगवाता है उनको भी दे देता है कुछ, तो टीम बना रखी है उसने 8 लोगों की। झूठी FIR हुई है मारपीट की, हरिजन एक्ट पूर्व सरपंच है करतार सिंह यादव, उसका जो मान लो कि जो धंधा है, और इन लोगों पर 302 26 हरियाणा 76 सारे केस करवाने के बाद भी आज भी फिर झूठा मुकदमा करवाया, उनको एक दबाव में दबाव बना के